बजाज की पल्सर 125 से लेके पल्सर 220 ये हर एक बाइक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं NS 200। बाकी शोरूम का डिटेल्स हो जाता है प्रयाग बजाज, ये देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीचे भी मिल जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट राजधनवार घोड़थंबा, यहाँ का जो भी डिटेल्स वगैरह है ना वो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। बाहर में भी देख सकते हैं शो के लिए लगा हुआ बाइक यहाँ पे NS 125, ये देख सकते हैं 125 नियॉन कलर में, देख सकते हैं काफी प्यारी लग रही है यहाँ पे। और ये मिल गया आपको N150 यहाँ पे 125 और ये 125, तीनों मॉडल देख सकते हैं, अलग अलग मॉडल कलर ऑप्शन सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। जो एक एक बाइक बाहर में भी लगी हुई देख सकते हैं, काफी प्यारी लग रही है यहाँ पे। इसमें LED हेडलाइट सेटअप चेंज किया गया है, ठीक है। और शोरूम के अंदर आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बाइक अवेलेबल है स्टॉक में, जो कोई भी बाइक चाहे तो परचेज कर सकते हैं। 220 भी मिल जाएगी आपको, N150, N160, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पल्सर 220F मतलब लेजेंड। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बाइक खड़ी है N150, वहाँ पे देख सकते हैं N160, NS160 दो कलर ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। 125cc हर एक बाइक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर में देखने के लिए मिल रही है ना NS 200। इसका ना ऑलमोस्ट फुल डिटेल्स इसका वॉक अराउंड हम पहले अपलोड कर चुका है, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे प्रोफाइल में इसका फुल डिटेल्स के साथ लोन डिटेल्स वगैरह हर एक चीज़ कवर किए हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देख सकते हैं 125cc के सेगमेंट में ग्रे कलर में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट होता है ये कलर, तो इसका भी रिव्यू हम कर चुके हैं। प्राइस वगैरह सारा कुछ ना आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, हर एक बाइक का प्राइस वगैरह ऑफर वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे जो बाइक देख रहे हैं ना, जितना सारा बाइक खड़ी है हर एक को दिवाली ऑफर दुर्गा पूजा ऑफर में बहुत सारा कुछ मिल रहा है। हेलमेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, बहुत सारा कुछ लाइक जैसे नेक बैंड वगैरह, ये अपने अकॉर्डिंग जिसको बाइक के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी बाइक का परचेज करते हर किसी में गिफ्ट वगैरह दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। मिनिमम डाउन पेमेंट आप अप्रोक्स 10-15,000 से लेके ओवरऑल मतलब कोई भी बाइक में जितना से ज़्यादा आप डाउन पेमेंट अपना इजी वे से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम डाउन पेमेंट जहाँ पे हो जाता है ना 10-15,000 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप ले लेते हैं पल्सर की 125cc है नियोन में, उसका ऑलमोस्ट जो डाउन पेमेंट आता है ना 15,000 की अप्रोक्स आती है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। और यहाँ पे जो बाइक खड़ी ये भी देख सकते हैं N160 और यहाँ पे N160 सेम कलर है, बस इसमें क्या है ना थोड़ा बहुत चेंजेज होती है। एक ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ना टैंक पे, यहाँ पे इसका जो एक और मॉडल है वहाँ पे वो देख सकते हैं, उसमें क्या ना ग्राफिक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। NS 160 के दो कलर, ये ब्लैक रेड स्टिकर में और रेड ब्लैक स्टिकर व्हाइट कलर में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिकर वगैरह जो किया गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे बैक साइड और यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, तो ये देख सकते हैं पल्सर की हर एक वेरिएंट हर एक मॉडल कलर ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। ये यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में, ये देख सकते हैं रेड स्टिकर, इसमें कार्बन ब्लैक एक आती है एक, ये देख सकते हैं कार्बन ब्लैक में, इसका नियॉन दिखाते हैं हम आपको। ये ना मतलब 125cc के सेगमेंट में और प्राइस जो हो गया 1,00,000 के रेंज में आपको एक बाइक मिल रही है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पावर माइलेज हर एक चीज़ मिल रही है, सिर्फ 125cc जो ये मॉडल है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी तीन मॉडल होती है, ये फर्स्ट, एक मिड वेरिएंट, एक टॉप लाइन। टॉप लाइन में क्या है ना मीटर कंसोल वगैरह LED में देखने के लिए मिलेगा और कार्बन ब्लैक में स्टिकर वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और बीच का जो मॉडल है ना उसमें आपको सिर्फ जो एनालॉग में पुरानी मीटर कंसोल जो थी ना वही देखने के लिए मिलेगी और इसमें कोई अपडेट नहीं है। तो ये हो जाती तीन मॉडल। स्टार्टिंग प्राइस जो है लगभग 1,00,000 से स्टार्ट है और मिड का आई थिंक 1,08,000 के आसपास पड़ जाती है और टॉप का 1,15,000 के आसपास, ठीक है। उसमें कैश डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा देख लेना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं माइलेज का बाप जिसको बोला जाता है प्लैटिना, ये 100cc के सेगमेंट में आती है कॉम्पैक्ट, ये देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा कुछ अपडेट किया, इसका फुल डिटेल्स रिव्यू वगैरह हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे। और इधर देख सकते हैं 125cc, उधर भी देख सकते हैं 160 है आई थिंक, हाँ N160 और NS 160, ठीक है। तो इतना सारा बाइक यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, देख सकते हैं कोई भी बाइक कोई भी मॉडल कलर ऑप्शन हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, आके अपना परचेज कर सकते हैं। तो शोरूम का डिटेल्स वगैरह स्क्रीन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह के साथ सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लग जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास ITR वगैरह है या नहीं है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड कंपलसरी है, इतना डॉक्यूमेंट हर कोई कैरी करते हैं तो उतना आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बाकी का जो होता है ना, अगर अकाउंट वगैरह नहीं हो तो रिसेंटली अकाउंट ओपन हो जाता है और चेकबुक वगैरह प्रोसेस उतना कोई खास नहीं है। तो आपको क्या करना, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आना, सिविल वगैरह सही होना चाहिए। अगर बाय द वे पहले कभी लोन लिया है और वहाँ पे अगर सिविल वगैरह आपको थोड़ा बहुत कहीं ख़राब हो चुका है ना, तो इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा चला जाता है। और अगर सिविल स्कोर वगैरह सब चीज़ बेस्ट है आपका तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम डाउन पेमेंट में हो जाएगा।
और नहीं तो थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट ज़्यादा जा सकता है। जैसे बाय द वे अगर आपको ये बाइक ख़रीदनी है ना कि पल्सर 220 अब, ठीक है, ये तो टॉप लाइन, इसमें ज़्यादा मॉडल वगैरह आती नहीं है, बट थोड़ा बहुत अपडेट किया है, इसका भी रिव्यू पहले कर चुके हैं, सिर्फ मीटर कंसोल वगैरह और ये जो बटन कंट्रोल वगैरह देख रहे हैं ना, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है ये 20 OBD2 कम्पलेंट के साथ। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे जितनी सारी बाइक खड़ी है ना, हर एक बाइक आपको E20 और OBD2 कम्पलेंट के साथ BS6 फेस 2 मॉडल है, जिसको बहुत लोग अभी BS7 बोल रहे हैं, बट ये एक्चुअली में BS7 है ही नहीं, क्योंकि BS7 का कोई अपडेट अभी इंडिया में नहीं है, सिर्फ BS6 को फेस 2 कर दिया गया है। तो हो ना हो कहीं नेक्स्ट में BS7 लॉन्च ही ना हो और BS8 आ जाए। तो ओवरऑल ये सारा कुछ हो गया, तो हर एक बाइक जो है BS6 फेस 2 मॉडल है, तो आके कोई भी आप परचेज कर सकते हैं कम से कम डाउन पेमेंट में। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता थोड़ा सा कि बहुत लोगों के कि EMI क्या आ जाएगा, तो EMI जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने ईयर के लिए ले रहे हैं, वहाँ पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक ले सकते हैं अपना, और ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितने मंथ के लिए लेना है। अगर कम से कम डाउन पेमेंट करके आप परचेज करते हैं तो हम तो बोलेंगे कि ज़्यादा EMI करवा लें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चल जाएगा, और नहीं तो ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो कम EMI आ जाएगा। मतलब सिंपल सा रूल है, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लेते हैं तो EMI कम कम करके पे करना होगा मंथली, और अगर कम दिन के लिए लेते हैं तो EMI ज़्यादा करके पे करना होगा। वहाँ पर आपको बेनिफिट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो कम हो जाएगा, इंटरेस्ट आपको कम लगेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या करना है। तो ओवरऑल इतना सारा कुछ है बाइक से रिलेटेड, शोरूम का डिटेल्स वगैरह तो हमने पहले ही बता चुका है, बाकी कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमको बिंदास पूछ सकते हैं, इंस्टा आईडी आ रहा होगा, मेंशन किया हुआ है, जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं कहीं पे भी, तो नहीं तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, कन्फर्म की जानकारी देंगे। कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, बाइक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, लोकेशन, शोरूम डिटेल्स वगैरह, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, आज का रिव्यू खत्म करते हैं, बजाज पल्सर और NS वगैरह जितना सारा बाइक है हर एक बाइक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।